अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का एक प्रश्न मूल प्रश्न में है, वो उसमें उन्होंने शुरू किया, क्या एनटीए पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है कि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न को पूछने का अनुमति दिया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, यही तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी है। इसलिए तो बिल्कुल एनटीए विभिन्न स्तर पर पार्लियामेंट के पास अकाउंटेबल है। दूसरी बात, एनईपी ने धीरे धीरे देश की विद्यार्थियों के अंदर परीक्षा की सुधार के लिए, परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनटीए कई प्रकार की परीक्षाओं को विशेष करके विद्यार्थियों के लिए ले इसकी सुझाव दिया था। उसी पे एनटीए 2017 से शुरू होकर 18 में एक आकार लिया। लगभग पिछले 6 सालों में 5 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थी विभिन्न परीक्षा में अपीयर किए, सफलता के साथ अपीयर किए, उत्तीर्ण भी हुए, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में उनके एडमिशन भी हुई है। 250 तक परीक्षाओं को किया गया है। ये बात जो एक मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने उसको रखना चाहूँगा, आज देश की जो युवाओं की विशेष करके एस्पिरेशनल सोसाइटी की जो तबका है, न्यू मिडिल क्लास, देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के ऊपर आ रहे हैं, ये सबके मन में प्रायोरिटी है आगे बढ़ना, एजुकेशन उसके माध्यम है। उसमें सर मैं अगर एक ही आप अनुमति से एक ही उदाहरण दूंगा, सर जो जब प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेवारी लिए देश में, तब मेडिकल सीट की संख्या था 50,000 51,000, आज वो बढ़ के हमने पिछले 10 साल में उसको बढ़ा के 1,10,000 तक पहुँचाए। लेकिन विद्यार्थियों में, नौजवानों में जो स्पर्धा है अच्छा करने के लिए, उसमें कोचिंग सेंटर हमारी प्रतिबद्धता है। सरकार की ओर से कोचिंग सेंटर ना हो उसमें मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है, इसमें सबकी सहायता सबकी मदद चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता इतना बढ़िया हो, सरकारी स्कूल्स को फोकस किया जाए। आज हमारी सेंट्रल स्कूल और नवोदय विद्यालय उसकी मिसाल है। अनेकों राज्यों में अच्छे पढ़ाई के कनाव की राज्य, पिछले दिनों में हाउस में तर्क उठी सीकर में क्यों अच्छा किया। अध्यक्ष जी, मैं बाद में जाके सीकर की कुछ सामाजिक व्यक्तियों नेताओं के सामाजिक व्यक्तित्वों को बात किया, सर सीकर आप मेरे से ज़्यादा जानोगे, पुराने समय से सीकर पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र रहा है। ऐसे अनेकों स्टेट बोर्ड में आधारित अनेक केंद्र है जहाँ पढ़ाई की अच्छा प्रायोरिटी है। धीरे धीरे हम सबकी सहमति बनाते हुए ये कोचिंग सेंटर की दुनिया से देश के विद्यार्थियों को बाहर लाना पड़ेगा, कानूनी तरीके से लाना पड़ेगा, सामाजिक तरीके से लाना पड़ेगा, हमें उसमें सबकी सहयोग चाहिए। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।